नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, जिसका इतने दिनों से इंतज़ार आप और हम सब कर रहे थे, जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक भर्ती का, उसका पद आ चुका है। हालांकि जितना उम्मीद किया जा रहा है, उम्मीद से बहुत कम पद आया है। 3000 करीब इसकी उम्मीद की जा रही थी कि 3000 प्लस आएगा, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो मात्र 1262 वैकेंसी आई है। तो इसमें हम फुल डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या है, सिलेबस क्या है, ट्रिपल सी होना जरूरी है, और अब पेट के लिए कट ऑफ कितना जा सकता है। तो चलिए बिना देरी के हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्त, यदि आप आए हैं चैनल पे पहली बार यानी कन्हैया जी एस वर्ल्ड पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और घंटी को दबा करके लाइक वाला बटन दबा देना है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी से कोई भी खबर यहाँ मिलती है आपको सबसे पहले। तो चलिए देखते हैं। जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पर जाएंगे तो आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन अभी अभी यानी कि 21 तारीख को आया हुआ है। यहाँ पर ऑनलाइन करने की तिथि 21 तारीख ग्यारहवां महीना यानी नवंबर से ऑनलाइन होगा, और अंतिम तिथि 14 तारीख को रखी गई है, ठीक है। इसका देखिए टोटल कनिष्ठ सहायक के कुल टोटल पद कितने हैं, 1262 पद हैं। अब देखिए एक एक नोटिफिकेशन, एक एक पेज पूरा हम लोग देखते हुए चलेंगे ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं। अब इसमें क्या पेट लगेगा, पीईटी अनिवार्य है? जी हाँ, इसमें पीईटी अनिवार्य है, और पीईटी के सापेक्ष 15 गुना बुलाया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में मेंशन है। और 15 गुना कहते हैं लेकिन बुलाते हैं 30 गुना, ठीक है। तो वैकेंसी जितनी है उसकी 30 गुना लोगों को इसमें फॉर्म मतलब बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। देखिए इनमें आवेदन शुल्क की बात कर रहा है, तो इसमें सभी वर्गों के लिए चाहे जनरल ओबीसी एससी एसटी सभी के लिए 25 रुपया यहाँ पर शुल्क रखा गया है। और यह जो है सभी को यानी कि जिसका भी 0 से प्लस नंबर है यानी 1, 2, 3, 4, 100 जितना भी है सभी को यहाँ पर भरने का मौका दिया जाएगा। और इसके बाद एक फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी मुख्य परीक्षा के लिए कि कितने लोग इस परीक्षा को दे सकते हैं। तो आपका नंबर यदि 0 से प्लस है तो आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। पेज नंबर दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क केवल मुख्य शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को, यानी कि यहाँ पर 25 रुपया तो जो जो भरेगा सबका लगेगा, लेकिन जो लोग मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे उन सब से एक बार फिर फॉर्म भरवाया जाएगा, और 185 रुपया फिर जो लोग शॉर्ट लिस्ट हुए हैं सभी से लिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर संशोधन की बात कर रहा है, तो उस सब पर ध्यान हमें नहीं देना है, मेन चीज़ पर बात हम करते हैं। तो देखिए पदों का विवरण कितना कैसे पद हैं, तो यहाँ पर विभाग का नाम है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग। इस पे पदनामे कनिष्ठ सहायक उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अधीनस्थ कार्यालय लिपिक संवर्ग में, इसमें अनारक्षित यानी कि जनरल वालों के लिए 460 वैकेंसी है, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 242 है, अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 23 है, और ओबीसी के लिए 309 है, और ईडब्ल्यूएस के लिए 114 है। टोटल इसमें वैकेंसी कितनी है, 1148। और यहाँ पर जॉब क्या लिख रहा है, अस्थाई और अस्थाई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी कोई भर्ती होती है तो उसे अस्थाई तौर पर ही 2 साल तक मान्य मतलब देखा जाता है, उसके बाद अस्थाई हो जाती है। तो ऐसा मत सोचिए कि यह वैकेंसी जो है संविदा पर है या फिर अस्थाई है, पूरी तरीके से परमानेंट है, सरकारी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा पोस्ट है, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय में कनिष्ठ सहायक के पद हैं। और इसमें देखिए इसमें वेतन कितना था, तो 5200 से 2000 यानी कि ग्रेड पे 2000 जितनी कांस्टेबल को मिलती है उतनी है, और लेकिन यहाँ पर मैट्रिक्स पे लेवल 3 है, यहाँ पर भी सेम पे लेवल है, और 18 से 40 उम्र रखी गई है। इसमें जनरल के लिए 55 और एससी के लिए 15, एसटी के लिए 4 और ओबीसी के लिए 29 और ईडब्ल्यूएस के लिए 11, टोटल 114 पद यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। कुल पद कितने हो जाते हैं, 262 पद टोटल हो जाते हैं, जो कि उम्मीद से कम है। आयोग का ऐसा कहना है कि और जो भी वैकेंसी है, यह तो पीईटी, ठीक है, यह जो वैकेंसी है पीईटी 2021 के तहत आई है, ठीक है। जो लोग 21 में पेट का फॉर्म भरे हैं वह लोग भर सकते हैं, लेकिन और जो पद इसमें बच जा गए हैं, कम निकाला आयोग इसलिए कि और वैकेंसी हम पेट 2022 से निकालेंगे, इसलिए।
अब देखिए यहाँ पर लिखा है उपयुक्त सारणी में उल्लिखित रिक्तियों की संख्या घट या बढ़ सकती है, तो घटती तो आमतौर पर कम ही है, बढ़ जाती है, तो इसलिए आप लोग आवेदन सभी करना है। कितने नंबर वाले लोग करेंगे अभी हम उसके बारे में भी बात करेंगे। क्षैतिज आरक्षण में बात करें तो क्षैतिज आरक्षण के लिए टोटल यहाँ पर कितनी सीट हैं, तो यहाँ पर टोटल सीट हो जाती हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं 24-16 कुल मिला जुला करके 251 यहाँ पर सीट हो जाती हैं क्षैतिज आरक्षण में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या होनी चाहिए, तो देखिए शैक्षिक अर्हता यहाँ पर डिटेल पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश सरकारी लिपिक यानी कि इस वैकेंसी के तहत माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष अन्य मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे ट्वेल्थ की बात कर रहा है। अगर आपने ट्वेल्थ नहीं किया है, हाई स्कूल के बाद डिप्लोमा वगैरह यानी कि 10+2 में कोई कोर्स किए हैं, तब आप सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, मैथ मतलब साइंस साइड से या आर्ट साइंस से हो, आप भर सकते हैं। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट है हिंदी और अंग्रेजी टंकण में यानी कि टाइपिंग में 25 वर्ड प्रति मिनट हिंदी में और 30 वर्ड प्रति मिनट अंग्रेजी में गति होनी चाहिए, यानी कि टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है ODECO सोसाइटी द्वारा प्राप्त कंप्यूटर प्रचालन में CCC या उसके समक्ष कोई मान्यता प्राप्त डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इसमें CCC कंपलसरी कर दिया है, तो जिसका भी CCC है वह इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। तो CCC वाले इसमें भर सकते हैं। इसकी आखिरी डेट क्या है तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर अभी बात कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अधिमानी अर्हता लिखा है, तो अधिमानी अर्हता मतलब होता है कि यदि आपके पास है तो और अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसके लिए कोई परेशान ना होना, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि आपके पास CCC वगैरह के अलावा यहाँ पर सेना में काम किया हो या फिर NCC में बी सर्टिफिकेट हो तो आपको वरीयता दी जाएगी। आयु यानी कि एज कब से काउंट होगी, तो यहाँ पर देख लीजिए एज 1 जुलाई को 18 वर्ष यानी कि जो बीता जुलाई है 1 जुलाई 2022 को आपको 18 वर्ष पूरा हो जाना चाहिए और 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना याद रखिए। अब यहाँ पर चयन का प्रकार कह रहा है, तो इसमें क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा और लिखित परीक्षा के बाद टाइपिंग वगैरह होने के बाद होगा। परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस की बात कर रहा है, तो सिलेबस देखिए इसमें क्या क्या आएगा, तो सिलेबस हिंदी और लेखन योग्यता कितना आएगा, प्रश्नों की संख्या 60 प्रश्न 30 अंक यानी कि प्रत्येक प्रश्न आधे नंबर के होंगे, ठीक है। और जो लिखित पेपर होगा इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, लिखित पेपर टोटल 65 अंक का होगा, ठीक है, और प्रश्न आएंगे 130। हिंदी के 60 प्रश्न हो गए और सामान्य बुद्धि यानी GS के 30 प्रश्न आएंगे 15 नंबर का, और सॉरी सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी रीजनिंग की बात कर रहा है 30 प्रश्न आएंगे 15 नंबर का, और सामान्य जानकारी यानी GS के 40 प्रश्न आएंगे 20 नंबर का। इसके लिए टाइम मिलेगा 1 घंटा 30 मिनट और टोटल प्रश्न 130 और नंबर 65। अब यह 100 नंबर का टोटल पेपर होगा, 65 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त करने का मौका है प्लस 35 नंबर और कहाँ से मिलेगा, इसका कोई पेपर नहीं होगा, पेपर नहीं होगा तो नंबर कहाँ से मिलेगा, चलिए यहाँ पर देखते हैं। और याद रखिए इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। देखिए 35 नंबर तो हमने बताया, अब 65 नंबर बताया, अब प्लस 35 अंक कहाँ से मिलेगा, यदि आपने इंटरमीडिएट किया है और 60%, ठीक है, 60% से प्लस है तो 20 नंबर, 35 में से 20 आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यदि आपका 60% है तो 20 नंबर तो फिक्स ही है। और उसके बाद यदि आपने स्नातक उपाधि की है यानी कि BA यानी कि ग्रेजुएशन आपने किया है और 45% से ऊपर किंतु 60% से कम है तो 15 नंबर मिलेगा, ठीक है। और 33 यहाँ पर जो इंटर की बात कर रहा है 20 अंक मिलेगा, ठीक है, यदि 60% से ऊपर है तब, यदि 60% से कम और 45% से ऊपर है तो आपको 20 नहीं 15 मिलेगा, और 33% से ऊपर किंतु 45% से कम है तो 10 नंबर मिलेगा, यानी कि आपको 20 नंबर यहाँ से पाने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन
आपने ग्रेजुएशन किया है तब होगा आपको और ज़बरदस्त फ़ायदा। यदि 60% से ऊपर है तो 10 नंबर फ्री में मिल जाएगा, और उससे कम है किंतु 45% से ऊपर है तो 8 नंबर मिलेगा, और 33% से ऊपर किंतु 45% से कम है तो 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 10 पा गए और 20 ऊपर से पा गए, 30 और 5 नंबर बचा। तो यदि आपने इनमें से कोई चीज़ किया हो, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों या राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होंगे तो 5 नंबर, राष्ट्रीय स्तर के 4 नंबर और राज्य स्तर के 3 अंक, और यदि कॉलेज स्कूल के स्तर पे हों तो 2 नंबर मिलेगा। तो ये मान के चलिए 35 नंबर में आप 20, 60 से ऊपर होंगे तो 20 मिल जाएगा, और ग्रेजुएशन में 60 से ऊपर है तो 10 मिलेगा और 5 यहाँ से, यानी कि 35 नंबर यहाँ से आपको प्राप्त करना है। टोटल मेरिट लगेगी 100 नंबर पे। ठीक है, तो 65 नंबर लिखित से और 35 नंबर इससे। अब देखिए यहाँ पर सिलेबस क्या क्या है। तो देखिए हिंदी में क्या पूछेगा, इसका डिटेल सिलेबस तो नहीं लिखा है। तो हिंदी में सामान्य ज्ञान तथा लेखन की बात आपसे पूछी जाएगी, जो कि हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा, और सामान्य बुद्धि से विभिन्न विश्लेषण करने वाले पचन, यानी कि इसमें पूरा रीजनिंग पूछा जाएगा। और सामान्य जानकारी से क्या पूछा जाएगा, तो इसमें उम्मीदवारों को वातावरण के बारे में जानकारी, समाज तथा इसके इस्तेमाल के बारे में, ठीक है, रखे जाएंगे। जिस समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर पूछा जाएगा, ऐतिहासिक और भौगोलिक सम्मिलित होंगे, भारत से संबंधित और वैज्ञानिक के विभिन्न ज्ञान के पहलुओं पर, उसके अलावा यह सब इसमें जीएस में पूछा जाएगा। और द्वितीय चरण में जो टंकड़ की परीक्षा होगी कंप्यूटर या लैपटॉप पर होगी, जो कि अहरकारी प्रकृति की होगी। ठीक है, तो यह इसका हो गया सिलेबस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और है। तो देखिए यहाँ पर डिटेल लिख दिया है कि 65 नंबर आपको रिटेन से मिलेंगे और प्लस 35 नंबर आपको उससे मिलेंगे, टोटल 100 नंबर पर मेरिट आपकी बनेगी। और यहाँ पर लिखा है कि 15 गुना सापेक्ष, भर्ती के सापेक्ष 15 गुना बुलाया जाएगा, तो 1200 कितनी वैकेंसी है, टोटल 1262। ठीक है, तो 1262 गुणा 15 नहीं, 15 का है कि 30 बुलाते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 6 18, 3 दूना 6 1 7, 3 एकम 3। ठीक है, तो 1236 यानी 37800 करीब बुलाया जाएगा। ठीक है, तो 37,860 लोगों को बुलाया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो कट ऑफ कितना होना चाहिए, तो देखिए कट ऑफ इसमें काफ़ी कुछ मांग दिया है। एक तो टाइपिंग मांग दिया है, कितने लोग टाइपिंग के डर से इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। ठीक है, और बहुत सारे लोग अभी मतलब ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे तो ऐसा ही नंबर उनका 20 नंबर जुड़ेगा ही नहीं, कम हो जाएगा, इस डर से नहीं भरेंगे। ठीक है, और इसमें मांग दिया है ट्रिपल सी बहुत लोगों के पास नहीं होता है, तो ट्रिपल सी के कारण वह लोग छट जाएंगे। तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग छटेंगे, हालांकि आयोग ने कहा है कि जिसका 0 से ज़्यादा नंबर है सभी को आवेदन करना है, लेकिन सभी को तो मौका मिलेगा नहीं, लेकिन 25 रुपये की बात है, आप सभी लोग इसमें आवेदन कर दीजिएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से देखें जिसका भी 55 प्लस नंबर है, ठीक है, नंबर की हम बात कर रहे हैं, 55 प्लस नंबर है उनके बुलाने की चांसेस हैं, और आपके 0 से प्लस नंबर है तो सभी लोग भरिएगा। बाकी 50-55 वाले भी इस फॉर्म को ज़रूर भरें, क्योंकि यह वैकेंसी कम है। और मानते हैं आप लोग सोच रहे होंगे इतना कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन याद करिए यदि ज़्यादा लोगों को आयोग ने बुला दिया और आपने नहीं भरा है तो कितना पछताना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग अप्लाई भी नहीं करेंगे, तो जिसका भी है 50-55 नंबर है सभी लोग इससे ऊपर वाले अप्लाई ज़रूर करें, क्या पता चांस मिल जाए। लिखा भी है वैकेंसी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, तो क्या पता जो 2022 में आने वाला है इसी में बढ़ा दे, कुछ भी हो सकता है। 25 रुपये की बात है तो इतना तो एक दो दिन में समोसा खा करके उड़वा देते हैं। तो 50-55 वाले हमारे हिसाब से आप लोग ज़रूर भरें, भरना तो हमें भी है, हम भी ज़रूर भरेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग ज़रूर भरें, और कोई भी दिक्कत डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। और बाकी वीडियो अब तक यदि आप देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।